वीगन प्लेनेट को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें और दबाएं बेल आइकॉन नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वीगन प्लेनेट में। दोस्तों, कढ़ी के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। कढ़ी कई प्रकार से बनाई जाती है। परंपरागत रूप से कढ़ी बनाने के लिए दही और बेसन का उपयोग किया जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की कढ़ी। भिंडी की कढ़ी में हम दही के स्थान पर नींबू का उपयोग करेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भी है। तो आइए शुरू करते हैं भिंडी की कढ़ी। चार सदस्यों के लिए कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 5 बड़े चम्मच, 5-6 कटी हुई भिंडी, 1.5 नींबू का रस, कढ़ी पत्ता, 2 बड़े चम्मच तेल, 4 कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 4-5 काली मिर्च और लौंग, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर तथा नमक स्वादानुसार। बेसन में 4 कप पानी मिलाकर घोल बना लेंगे। इसमें गांठे न बने इस बात का ध्यान रखेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च को खरल में थोड़ा कूट लेंगे। आप देख रहे हैं कि इस कढ़ी में हम लाल मिर्च के स्थान पर हरी मिर्च का ही उपयोग कर रहे हैं। तेल को गरम करेंगे। सबसे पहले हींग मिलाएंगे। हींग के बाद जीरा मिला रहे हैं, राई, लौंग और काली मिर्च, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अब बेसन का घोल इसमें मिलाएंगे। साथ ही उबाल आने तक बराबर इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो यह तली पर चिपक जाएगा। धनिया पाउडर, नमक, कढ़ी को बराबर हिलाते रहेंगे। एक उबाल आने के बाद इसमें कटी हुई भिंडी मिलाएंगे। कढ़ी में एक उबाल आ चुका है, अब कटी हुई भिंडी मिलाएंगे, साथ ही नींबू का रस भी मिलाएंगे। अब भिंडी के पकने तक हम कढ़ी में उबाल लेंगे। भिंडी डालने के बाद करीब 10 मिनट हमने और पकाया है। भिंडी पक चुकी है और कढ़ी तैयार है। इसमें हमने हल्दी पाउडर नहीं मिलाया है, आप चाहें तो हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। हरी धनिया से इसे गार्निश किया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म कढ़ी को पराठे, रोटी या चावल के साथ सर्व करिए।